जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अथर्ववेद। तो दोस्तों, अथर्ववेद की बात करने से पहले हम बात कर लें कि वेदों में हमने ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है, यदि उसको विस्तृत और अच्छे तरीके से ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद पढ़ना है तो वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, तो उसे उन सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी या फिर हमारे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। चलिए आइए बात करते हैं हम दोस्तों अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है दोस्तों, इसका जो तात्पर्य है वो क्या है? जादू टोना से। ठीक, अथर्ववेद किससे संबंधित है? जादू टोना से संबंधित है। और जो है अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद क्यों पड़ा? तो अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद अथर्वा नामक ऋषि के नाम पर पड़ा। क्यों? क्योंकि इसकी रचना अथर्वा नामक ऋषि ने ही की है। तो आइए देखते हैं हम दोस्तों अथर्ववेद को। तो दोस्तों अथर्ववेद में जो अथर्व शब्द है यह किससे बना है? यह अथर एवं वाणी शब्द के संयोजन से बना है, जिसका तात्पर्य क्या है? जादू टोना है। ठीक, अर्थात अथर्ववेद हमारा किससे संबंधित है? जादू टोना से संबंधित है। इसके अलावा और क्या क्या है इसमें? तो इसमें लौकिक एवं सामाजिक पक्षों, जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों, सभा और समिति, किसानों, चरवाहों और व्यापारियों की मंगल भावना, ज्वार और क्षय रोग तथा उनके उपचार तथा विवाह और राज्य की संभावनाओं की चर्चा है। ठीक, तो अथर्ववेद में ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, जो हमारा अथर्ववेद है, तो अथर्ववेद की रचना संभवतः किसी अथर्वा ऋषि द्वारा की गई है, इसलिए इस वेद का नाम क्या पड़ा? अथर्ववेद पड़ा। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, वेदों में श्रेष्ठ वेद किसे कहा जाता है? तो अथर्ववेद को कहा जाता है। वेदों में ब्रह्मा वेद किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है। ठीक है, तो इसे ब्रह्मा वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। ठीक, तो ब्रह्मा वेद अर्थात ब्रह्मा के ज्ञान से उत्पन्न वेद, और श्रेष्ठ वेद क्यों कहते हैं दोस्तों? तो श्रेष्ठ वेद इसको दोस्तों सर्वाधिक लोकप्रिय होने के कारण से श्रेष्ठ वेद कहते हैं। इसमें लोगों की भावनाएं सारी चीजें दी हुई हैं। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, वेदों में सर्वाधिक प्राचीन हमारा कौन सा है? ऋग्वेद है। और सर्वाधिक नया क्यों है? सर्वाधिक नया कौन है? अथर्ववेद है। सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद ही क्यों है? क्यों? क्योंकि दोस्तों उसकी रचना सबसे पहले की गई थी। और सबसे नया अथर्ववेद क्यों है? क्योंकि इसकी रचना सबसे बाद में की गई थी। ठीक, तो ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद है और अथर्ववेद सबसे बाद का अर्थात सबसे नया वेद है। ठीक, तो सबसे प्राचीन हमारा ऋग्वेद है और सबसे नया कौन सा है? अथर्ववेद है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? तो अथर्ववेद का दोस्तों उपवेद है शिल्प वेद। इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? विश्वामित्र हैं। और जो है अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद किससे संबंधित है? तो यह शिल्प संबंधी कला के ज्ञान से संबंधित है। ठीक, या फिर इसमें क्या है शिल्प वेद में? शिल्प संबंधी कला का ज्ञान है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों गौपथ। इसके बाद हम बात करें दोस्तों आरण्यक, तो अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? तो अथर्ववेद के उपनिषद हैं दोस्तों प्रश्नोपनिषद और मांडिक्योपनिषद। ठीक, तो ये दोनों उपनिषद किससे संबंधित हैं? अथर्ववेद से संबंधित हैं। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। पुरोहित का कार्य इसमें क्या होता था? तो इसमें पुरोहित का कार्य जो होता था याज्ञिक अनुष्ठानों का निरीक्षण करना, जिससे कोई त्रुटि ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद अथर्ववेद से जुड़ी और कुछ चीजों को देख लेते हैं कि अथर्ववेद का क्या कोई आरण्यक है? तो अथर्ववेद का दोस्तों कोई आरण्यक नहीं है। ठीक, अथर्ववेद में मंत्र कैसे हैं? तो इसमें मंत्र दोस्तों व्यक्तिगत हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किसमें बताया गया है? तो किसमें बताया गया है? अथर्ववेद में बताया गया है। ठीक, तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, मगध अंग और अयोध्या का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? अथर्ववेद में हुआ है। ठीक, तो अथर्ववेद में ही सबसे पहले मगध अंग और अयोध्या का वर्णन किया गया है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, यज्ञ में आने वाली बाधाओं का निराकरण और औषधि वर्णन कहाँ पर किया गया है? तो अथर्ववेद में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? अथर्ववेद में। ठीक, तो अथर्ववेद में यज्ञ में आने वाली बाधाओं का निराकरण और औषधि वर्णन किया गया है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, कुरुओं के राजा परीक्षित एवं कुरुवंश की समृद्धि का विवरण कहाँ पर मिलता है? तो कहाँ पर मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ठीक, तो अथर्ववेद में कुरुओं के राजा परीक्षित एवं
कुरु वंश की समृद्धि का विवरण मिलता है। ठीक, इसके बाद बात करें दोस्तों आर्य अनार्य समन्वय की चर्चा कहाँ पर मिलती है, तो अथर्ववेद में मिलती है। ठीक, तो अथर्ववेद में आर्य अनार्य समन्वय की चर्चा मिलती है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों अथर्ववेद में 20 अध्याय 731 सूक्त तथा लगभग 6000 मंत्र हैं। इसके 20% मंत्र दोस्तों किस वेद में पाए जाते हैं, ऋग्वेद में पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों वेदों में सर्वाधिक लोकप्रिय वेद किसे माना जाता है, तो अथर्ववेद को माना जाता है। ठीक, तो अथर्ववेद को चारों वेदों में सर्वाधिक लोकप्रिय वेद माना जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों यह वेद ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का उल्लेख मिलता है। ठीक, तो सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है दोस्तों, अथर्ववेद में मिलता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों अथर्ववेद में जादू टोना, रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीत से संबंधित मंत्रों का उल्लेख मिलता है। ठीक, वर्तमान समय में दोस्तों अथर्ववेद की दो शाखाएं मिलती हैं जिनके नाम क्या क्या हैं, शौनक और पिपलाद हैं। ठीक, तो वर्तमान समय में अथर्ववेद की दो शाखाएं शौनक और पिपलाद मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें और इसको शेयर करना ना भूलें।